हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टमाटर की मसालेदार पूरी बनाने की एक आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही कम टाइम में फटाफट बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही क्रिस्पी, चटपटा एंड टेस्टी होता है। इसे आप सुबह शाम के नाश्ते में या बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में या इसे सफ़र में बना के ले जा सकते हैं। तो देर किस बात की, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। टमाटर की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल लेंगे। इसमें एक कप सूजी डालेंगे और आधा कप आटा डालेंगे। यहाँ पे आप एक कप आटा और आधा कप सूजी से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे टेस्ट के अनुसार नमक और एक छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और आधी छोटी चम्मच अजवाइन और एक चौथाई चम्मच मंगरेला और एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, इसे चटपटा करने के लिए आधी छोटी चम्मच लाल कश्मीरी डस्ट डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और दो चम्मच यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाला है और आधा कटोरी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, सब डाल के इसको मिक्स कर लेना है। तो देखिए ये मिक्स हो चुका है, इसे साइड रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, वज़न में देखिए तो 250 ग्राम है। यहाँ पर ध्यान से आप टमाटर कड़ा लीजिएगा, यानी कि ज़्यादा पका हुआ टमाटर नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर आधा इंच अदरक, 5 से 6 जावे लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्च लिया है। टमाटर के नीचे के पार्ट्स को काट देना है। टमाटर अगर आप ज़्यादा पका लीजिएगा तो उसमें पानी ज़्यादा रहेगा, तो फिर हम पूरी बनाएंगे तो अच्छे से पूरी नहीं बन पाएगा। तो जो थोड़ा कम पका रहता है तो उस टमाटर में पानी कम रहता है, इसलिए थोड़ा सा बीच का टमाटर लेना, इसको रफली काट लेना है। तो देखिए सारे टमाटर को काट लिया। अब यहाँ पे मिक्सी जार लेंगे, इसमें कटे हुए टमाटर को डाल देंगे और साथ में 4 हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 5 से 6 जावे लहसुन के, लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। और 1 छोटा इंच अदरक का इसके अंदर डाल के इसको ग्राइंड करके एक फाइन सा पेस्ट तैयार करना है। तो देखिए इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, इसी तरह का पेस्ट रहना चाहिए, बारीक पेस्ट पीस लीजिएगा तो हमारी पूरी बहुत ही अच्छे से बनेगी, फूली फूली। अब टोमेटो का प्यूरी साइड रख देंगे। यहाँ पे जो आटा मैंने मिक्स करके रखा था वो ले लेंगे। इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे। हींग अगर खाती हैं तो ज़रूर से डालेगा, इसका फ्लेवर इस पूरी में बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब यहाँ पे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, यानी रिफाइंड ऑयल मोयन के लिए डालेंगे। आप इसके जगह पे घी भी डाल सकते हो और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इसी तरह रब करते हुए मिक्स कर लीजिएगा, ये मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे टोमेटो का प्यूरी लेंगे और थोड़ा थोड़ा डाल के इसका एक डो तैयार करना है। कड़ा सा कीजिएगा, सॉफ्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, थोड़ा सा इसका डो जो कड़ा रहता है दोस्तों। तो हमारी पूरी एकदम फूली फूली खस्तेदार बन के तैयार होगी और सारी पूरी फूल जाएगी आपकी, तो इसलिए थोड़ा सा सख्त वाला डो तैयार कीजिएगा। देखिए डो तैयार हो गया, ऑयल से इसको ग्रीस करके 5 मिनट सेट करने छोड़ देंगे। और देखिए इतना सा 2 चम्मच टोमेटो प्यूरी बचा है, आपका कम या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो डिपेंड करता है सूजी और आटा पे कितना अब्सॉर्ब करता है टोमेटो प्यूरी। तो देखिए इसी तरह मैंने 5 मिनट के बाद कवर हटाया, ये अच्छे से सेट हो गया। यहाँ से 2 से 3 मिनट खूब अच्छे से मिचार लीजिएगा कि थोड़ा सा लचीलापन आटे में आ जाए और हमारी पूरी एकदम खस्तेदार और क्रिस्पी बनके तैयार हो। तो देखिए इसको मिचारने के बाद इसको 2 भाग में बांट दिया है, बड़ा बड़ा 2 लोई तैयार करेंगे। देखिए इसी तरह चिकना करके पेड़ा की तरह कर लीजिएगा। तो देखिए ये रेडी हो गया, दोनों लोई को रेडी कर लिया। अब यहाँ पे किचन सरफेस को अच्छे से पहले पोंछ लेना है, ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अच्छे से एक दफ़ा इस लोई को चिकना कर लेना है। अब बेलन से इसको बेल लेना है, इसको रोटी के जैसा बेलेंगे, रोटी से ज़रा बड़ा ही बेलेंगे और रोटी के जितना जो थिकनेस रहता है ना उससे ज़रा सा मोटा रखना है। तो देखिए एक बड़ा सा मैंने बेल लिया है, इसका थिकनेस देखिए इसी तरह का रहना चाहिए, इसी तरह का। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक गिलास लेंगे, गिलास के किनारे ऑयल लगा के इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से बनाने से क्या होगा ना दोस्तों, एक दफ़ा ज़्यादा पूरी बन के तैयार हो जाएगी। और आप चाहो तो छोटी छोटी लोई बना के 1 बाय 1 बेल के भी पूरी बना सकते, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। ऐसे क्या फटाफट बन के जल्दी तैयार हो जाता है एक बार में ढेर सारी पूरी। तो देखिए इसी तरह मैंने गिलास से कट कर लिया। अब एक्स्ट्रा आटे को निकाल लेंगे, अब फिर जो दोबारा लोई बनाएंगे ना इसको उसी में मिक्स कर लेंगे, तो साइड रख देंगे। इधर का भी एक्स्ट्रा आटा निकाल लिया मैंने और इसको देख लिया, इस तरह का थिकनेस रहना चाहिए। अगर ज़रा सा मोटा रहे तो यहाँ पे क्या करना, बेलन ले लेना, ज़रा सा मुझे मोटा लग रहा था, इस तरह बेलन से इसको बड़ा कर लेना। तो देखिए इसी तरह का पूरी रेडी हो गया है, अब इसको रखेंगे प्लेट पे। इसी तरह दूसरे पूरी को भी बड़ा कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह सारी पूरी को मैंने बेल लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ,
गैस पे मैंने पहले ही से एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें तेल डाल दिया, तेल गर्म हो जाएगा। यहाँ पर पहले चेक कर लेना, जब तेल गर्म हो जाए तो मीडियम टू हाई आँच रखना और इसके अंदर डाल के गरम गरम तेल इसके ऊपर डाल लीजिएगा। गरम गरम तेल डालने से क्या होगा, हमारी पूरी एकदम फुली फुली बन के तैयार होगी। तो देखिए इसी तरह उलट पुलट करते हुए इसमें प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए इसमें प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। उलट पुलट करते हुए पहली पूरी हमारी रेडी हो गया है। इसे तेल से छानते हुए निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरी पूरी को डालेंगे और इसके ऊपर गरम गरम तेल डालेंगे। आप इसके ऊपर गरम गरम तेल डालिएगा तो, और इस तरह डालते जाइएगा तो जल्दी ही हमारी पूरी एकदम फुली फुली बन के तैयार होगी। इसी तरह दूसरा पूरी मैंने डाल दिया, तीसरा डाल दिया, उसको भी इसी तरह कर लेना है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। आपने तो सभी का कचौड़ी पूरी खाया होगा, टमाटर की पूरी अगर नहीं खाए हैं तो एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करना। आपके घर में बच्चे हों या बड़े हों, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। मेन बात है इसको आप घंटों बना के रख देंगे तो ये क्रिस्पीपन बना रहता है और फुली फुली रहती है। और इसके साथ अलग से आपको सब्ज़ी बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे आप ऐसे ही दही रायता के साथ या ऐसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि मसालेदार और चटपटी हमारी दार पूरी बन के तैयार होती है। तो देखिए इसी तरह उलट पुलट करते हुए सारी पूरी हमारी रेडी हो गई है। आई होप आज की टमाटर की मसाला पूरी की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रा सा भी कुछ अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए एक पीस मैं उठा के दिखा रही हूँ, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और आवाज़ सुन ही कि आप समझ रही हूँ कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर। मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।